नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका प्रखंड के पारा शिक्षक सरकार के उदासीन रवैये एवं 6 माह मानदेय प्राप्त नहीं होने पर आज गुरुवार को मासिक गुरु गोष्ठी हो रही है। गुरु गोष्ठी को सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया। इस संबंध में बताते चले कि अल्प मानदेय में काम कर रहे पारा शिक्षकों को सरकार समय से मानदेय नहीं दे पा रही है। 6 माह बीतने को है, फिर भी पारा शिक्षक का मानदेय नहीं मिल पाया। जो सरकार के अल्टीमेटम दिया था वह भी पारा शिक्षक को पूर्ण नहीं हो सका। पारा शिक्षकों में सब्र का पुल टूट गया है और आज हो रही गुरु गोष्ठी को पारा शिक्षकों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार कर दिया है। इस संबंध में गढ़वा जिला एकीकृत पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने कहा कि सरकार हम पारा शिक्षकों को 6 माह से मानदेय नहीं दी है, जिसके कारण हम पारा शिक्षकों की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि हम सरकार का कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन को छोड़कर एक भी सरकारी कार्य नहीं करेंगे। अगर सरकार पारा शिक्षकों का मानदेय समय से दे देगी तो हम लोग सरकार के सभी कार्य करेंगे। इनके साथ में पारा शिक्षक के पूर्व अध्यक्ष इरफान अहमद अली, दयाशंकर ठाकुर, सुनील यादव, नंदूराम राजमुनि लकड़ा, नरेश प्रजापति, संजय कुमार, भारती मुकेश, ओझा बिंदु कुमार पांडे, पंकज कुमार गुप्ता, संजय चौधरी आदि सैकड़ों पारा शिक्षक भी उपस्थित। सभी पारा शिक्षक बीआरसी बैठक का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों को 6 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण घर का आर्थिक स्थिति एकदम बदतर हो गया है और आए दिन हर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक हमें पूर्ण मानदेय नहीं मिल जाता है तब तक हम सरकार के सभी कार्यक्रम को विरोध करेंगे, और जब मानदेय मिल जाएगा मैं सारा कार्य करना चालू कर देंगे। और अभी विद्यालय में हम लोग पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चालू रखेंगे, लेकिन सरकार की सारी रिपोर्ट और बैठक का बहिष्कार करेंगे। मैं घनश्याम ठाकुर, जिला अध्यक्ष गढ़वा, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा। धन्यवाद।